हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मधुसूदन सेक्सोलॉजिस्ट आज आपके साथ जुड़ रहा हूँ लाइब्रेट के माध्यम से। और आज का हमारा टॉपिक है स्पर्म ब्लॉकेज। स्पर्म ब्लॉकेज क्या होता है, किस वजह से होता है और इसे किस तरह से ट्रीट किया जाता है, हम आज इसके बारे में बात करेंगे। तो आपने बहुत से लोगों को ऐसे कहता सुना होगा कि उनके सीमेन के अंदर स्पर्म नहीं आ रहे हैं, यानी जब वो रिपोर्ट करवाते हैं तो रिपोर्ट में उनका स्पर्म काउंट नील आता है। सीमेन तो बाहर निकल रहा है लेकिन उसमें स्पर्म बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जिसे कहा जाता है एजोस्पर्मिया। तो लोग ये मान लेते हैं कि अब उनका इलाज संभव नहीं है और इन फ्यूचर जाकर उनको बाप बनने में दिक्कत आएगी, बाप नहीं बन पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका इलाज संभव है। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर की गाइडेंस में इसका इलाज अगर आप करवाते हैं तो इसका इलाज पॉसिबल है और आप बाप बन सकते हैं। तो देखिए, एजोस्पर्मिया जो होता है वो दो वजह से होता है। पहले हम इसकी वजह जानते हैं, किस वजह से होता है कि आपके स्पर्म बाहर क्यों नहीं आ पाते हैं। तो एजोस्पर्मिया की मेन दो वजह होती है। पहला कि बचपन से ही आपके अंदर स्पर्म नहीं बन रहे हैं, आपकी बॉडी स्पर्म बना ही नहीं रही है। ये नेचुरली है, कुदरती है कि भगवान ने आपको ऐसा ही बनाया है आपकी बॉडी को कि वो स्पर्म बना ही नहीं रही है। तो इस चीज़ का अभी तक मेडिकल साइंस में किसी तरह का कोई इलाज नहीं है, उसके लिए इन फ्यूचर आपको डोनर के ही हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि स्पर्म उनके अंदर बन तो रहे हैं लेकिन वो स्पर्म बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उसकी मेन वजह होती है स्पर्म की ब्लॉकेज, कि जो सेमिनल डक्ट होती है जिस नली से स्पर्म बाहर आते हैं, उस नली में कहीं ना कहीं रास्ते में कोई ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से सीमेन तो बाहर निकलता है लेकिन स्पर्म बाहर नहीं निकल पाते। लोग कंफ्यूज इस चीज़ में हो जाते हैं। एक चीज़ हमेशा नोट ध्यान रखिए कि जो हमारा सीमेन होता है वो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड में बनता है और जो स्पर्म होते हैं वो हमारे टेस्टिकल्स में बनते हैं। तो जब इजैकुलेशन होता है तो टेस्टिकल से स्पर्म निकलकर और सीमेन जो होता है वो प्रोस्टेट से निकलता है, वो दोनों फिर मिलकर डक्ट के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो बहुत केसेस में ऐसा होता है कि सीमेन निकलता है बाहर लेकिन स्पर्म बाहर नहीं निकल पाते किसी भी ब्लॉकेज की वजह से। तो ब्लॉकेज के लिए वैसे तो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, आप अगर दवाइयों से इसे ट्रीट करना चाहें तो बड़ा ही मुश्किल होता है, उसके बहुत ही कम रिजल्ट देखे गए हैं। दवाइयों से इसे ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको सर्जरी ही करवानी पड़ती है। आप किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट से, किसी सर्जन से आपको इसके लिए कंसल्ट करना चाहिए। वो आपके सर्जरी के थ्रू रस्ते में जहाँ पे भी ब्लॉकेज होती है वो उस ब्लॉकेज को ओपन कर देते हैं, और एक बार ब्लॉकेज ओपन हो जाती है तो स्पर्म फिर नेचुरली बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर इन फ्यूचर आपको कंसीव करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये थी आज की बात, पूरा टॉपिक हमारा स्पर्म ब्लॉकेज के बारे में। तो अगर आपकी रिपोर्ट में भी एजोस्पर्मिया है, स्पर्म काउंट नील आ रहा है, तो उसके लिए आप एक बार ये टेस्ट जरूर करवाएं। और इससे आपको कैसे पता लगेगा, इसके लिए एक टेस्ट होता है जिससे नीडल से, एक सिरिंज से, इंजेक्शन से आपके टेस्टिकल्स में से स्पर्म्स को खींचा जाता है, जो हमारी सेमिनल डक्ट होती है जहाँ पर स्पर्म बनते हैं, जहाँ पर स्पर्म इकट्ठे होते हैं। तो नीडल के थ्रू वहाँ से उन्हें खींचकर ट्राई चेक किया जाता है। अगर रिपोर्ट में वहाँ पॉजिटिव है कि स्पर्म्स वहाँ पर बन रहे हैं तो इसका मतलब रस्ते में कहीं ब्लॉकेज है और वो निकल नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको इसकी सर्जरी करवानी चाहिए। अगर नीडल टेस्ट में भी स्पर्म काउंट जीरो आता है तो इसका मतलब है कि फिर तो बॉडी आपकी स्पर्म जो है वो बना ही नहीं रही है, आपकी बॉडी कैपेबल है ही नहीं, तो उसके लिए तो आपको फिर डोनर की ही हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब बातें थी आज स्पर्म ब्लॉकेज के बारे में। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।